इस वक्त हम छहसा गांव में हैं। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय जनता से कि लोकसभा के चुनाव में उनका क्या रुझान है, क्या माहौल चल रहा है। ठीक माहौल चल रहा है। आपका नाम? कप्तान जवाटी। किसके पक्ष में ज्यादा चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी के पक्ष में। तो वजह क्या है कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा माहौल चल रहा है? बीजेपी के पक्ष में इसलिए चल रहा है कि प्रधानमंत्री है उनके पास, मोदी जी। मोदी जी, तो क्या ऐसे काम है जिनकी वजह से आप चाह रहे हैं कि उन्हें वोट मिले? पूरा देश जानता है उसको। तो आप बताइए ना, यहाँ गांव में कौन से काम हुए हैं? गांव में विकास कार्य खूब हो रहे हैं, भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है। कौन से कार्य अभी हुए हैं गांव में? तो वही होते हैं, सड़कें होती हैं, सामुदायिक भवन होते हैं, स्कूल के कार्य होते हैं, यही कार्य होते हैं। हुए हैं? हुए। आपका नाम? प्रीतम सिंह जी। तो क्या माहौल चल रहा है अभी? बीजेपी का ही चल रहा है जी। तो लोग, स्थानीय लोग बीजेपी को? सब बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? पहले झके भरे हैं पब्लिक अभी। तो 72,000 देने की बात कर रही है कांग्रेस? चाहिए ही ना, वही 2,000 रुपए बहुत है। अच्छा, तो 2,000 रुपए कांग्रेस की तरफ से आए हैं ना, उस बीजेपी की तरफ? जो किसानों को, किसानों को नहीं मिले वो, वही बहुत है। तो आपको भी मिले ना? हमें तो मिले ना, हम तो दुकानदार हैं। हाँ, आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? मेरा नाम श्याम भाटी है। बीजेपी का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है इस टाइम। प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं गरीब आदमी के लिए, गरीब औरतों के लिए, जो सिलेंडर गए हैं, बिजली के दाम भी हमारी सरकार ने बहुत कम किए हैं। और आप विकास तो चारों ओर कहीं भी देख लियो, चहुंमुखी विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में फिलहाल कोई बम ऐसा नहीं फटा है जो कांग्रेस सरकार में फटा करते थे, उस पर रोक लगी है। आतंकवाद जो मुद्दा था वो होले होले ख़त्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन आतंकवादियों का ढेर नहीं हो रहा, खात्मा नहीं हो रहा। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ देशवासियों का, अपना मत का प्रयोग बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर करें। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। किसकी तरफ चल रहा है? बीजेपी की। आपका नाम? नेपाल जी। तो कौन से ऐसे काम को आप देखकर बोल रहे हैं बीजेपी के वोट देना चाहिए? बीजेपी के लिए जो मोदी ने बहुत अच्छे किए हैं, जो सेना के लिए और ये जो किसानों को 2,000 रुपए दिए हैं, वो हम किसानों में वो 2,000 रुपए भी तो मिले हैं। 2,000 हम मिले हैं जी, वो 2,000 भी सेना के जवानों के लिए समर्पित करना चाहते हैं जी हम। हाँ जी, माहौल चल रहा है जी बढ़िया, बीजेपी चल रहा है। बीजेपी की तरफ चल रहा है, क्यों चल रहा है भैया? जो चल रहा है कि एक तो सबसे मेन बात ये है कि मोदी जी ने देश की मजबूती कर दी है। इतने हवाई जहाज बनाए हैं, इतने हेलीकॉप्टर बनाए हैं और देश सुरक्षित कर दिया है। एक हमारा चेयरमैन है कप्तान सिंह, यू भी बढ़िया काम कर रहा है मकाम में, एक्स चेयरमैन है ये हैं। और खासियत जो है कि ये जो कि ये चीज़ें जो दिया दिया है, जो जमींदारों को दिया है, तो 2,000 रुपये दिए। क्या लग रहा है महंगाई कम हो रही है? हाँ, महंगाई तो इतनी ना है, महंगाई तो ठीक है, लिमिट में है। सब्जी बेच रहे हैं आप तो? हाँ सब्जी बेच रहे हैं। हाँ सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी प्रॉपर्टी में भी जो मंदा है। अच्छा, नहीं और लोग आपके दुकान पे आते होंगे सब्जी खरीदने, तो बात चलती होगी कि किसको वोट करेंगे। हाँ बीजेपी कह रहे हैं सब, जो 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 मिले हैं और पेंशन बराबर मिल रही है, कुछ दिक्कत ना बैंक से मिल रही है जो नहीं है, पहले तो दिक्कत हो रही मिलने में नहीं। अच्छा, तो पेंशन बराबर मिल रही है? हाँ पेंशन बराबर मिल रही है। अच्छा, बढ़िया मिल रही है यार। अच्छा, जो हमसे टाइम पे मिल जाए, पहले दुखी हो रहे, अंगूठा लगाया करे, उठ लगाया करे, बढ़िया मिल रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ चाचा, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी, भाजपा का बहुत अच्छा हुआ है। क्या नाम है आपका? महेंद्र चोपड़ा। तो यहाँ काम हुआ है? हाँ काम अच्छे हुए। कौन कौन से काम हुए हैं? ये सड़कों का काम काफी अच्छा हुआ, पेंशन लोगों को बढ़िया टाइम पे मिल रही है। तो आपको मिल रही है पेंशन टाइम पे? नहीं, हमने पेंशन नहीं ली, किसी गरीब के दे दिया हमने अपनी। अच्छा, और भी कोई काम जो आपको लग रहा है? काम किसानों को तो जितने भी हो रहे हैं, किसानों के भी अच्छे हो रहे हैं, टाइम पे हर एक चीज में, बिजली की बहुत सुविधा होगी अच्छी। तो कांग्रेस 72,000 देने की बात कर, वो तो ठगने की बात है, वो ठग लिया पैसे का लालच, उनके पास अपने पास तो है नहीं, वो उनको पब्लिक को क्या देंगे, वो घोटालों में ही देंगे, वो अपने लिए करेंगे कि हमारे लिए थोड़ी करेंगे वो। हाँ चाचा, नाम? ओम प्रकाश। चाचा, और भी तो पार्टी आई है, तो आपका मत क्या है? हमारा तो सिर्फ ओनली मोदी। मोदी, वजह? अरे देश के इतना देश बढ़ा दिया, दुनिया जान रही है, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। किसको वोट कर रहे हो? मोदी को। चाची उधर उधर उधर, किसको वोट कर रहे हो चाची? मोदी को। वजह क्या है चाची?
बजे क्या पेंशन बांध दी मोदी ले रहे। तो पेंशन मिल रही है? हाँ? रेगुलर मिल रही है कि लेट हो रहा है? सही टाइम पे मिल रही है। सही टाइम पे मिल रही है तो मोदी को वोट कर रहे हैं? हाँ? अच्छा ठीक है चाची। हमारे नेता जी आए अभी चेक करूंगा। बताइए माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो जी मेले की तरह चल रहा है जी, जिस देश में मेला मनाया जाता है। तो लोकसभा पे क्या चल रहा है, यहाँ का रुझान क्या है? देश हित में, पूरा गांव देश हित में मोदी के लिए वोट कर रहा है। अच्छा तो किसकी तरफ है, कि मोदी की तरफ? देश हित तो देश हित ही है। तो देश हित तो सारी पार्टी करेगी? मोदी मोदी हो रही है, दूसरा सौदा ही नहीं है गांव के अंदर। अच्छा अच्छा, एक तरफा वोट, एक तरफा वोट है। तो गांव में कौन से काम हुए कृष्ण पाल गुर्जर को? गांव में सारे गांव में पक्के हो गए, पानी की समस्या का समाधान हो गया, काम तो होते ही हैं। ये तो गांव के काम आज खराब हो रहे हैं, कल बनेंगे, ये तो आने, ये लोकल मुद्दे हैं। काम के ऊपर वोट नहीं मिल रही, देश हित के ऊपर वोट मिल रही है। तो देश हित में कौन से ऐसे काम आपको लगे कि जिसकी तरफ से मोदी सरकार को दोबारा आना चाहिए? देश की सीमा सुरक्षित कर दी मोदी ने, एक सैनिक मरता है 250 सैनिकों का तुरंत ही वहाँ पाकिस्तान के मारे जाते हैं, इससे बड़ा देशभक्ति का क्या उदाहरण होगा। इधर आजा, इधर आजा, अच्छा कैमरा तो आए, मैं तो सुनी लूंगी। ऐसा है मोदी जी जैसी, आपका नाम बताइए? शुभनाम ज्ञानी। अच्छा तो क्या चल रहा है माहौल यहाँ? माहौल बहुत बेटर है, बेटर इज बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। पहली बात तो यह है मोदी सरकार ने जो कुछ करके दिखाया है, ऐसा किसी सरकार ने निकल कर दिखाया। हर कारगिल में लड़ाई हुई, मोदी ने हर घर के जवान को घर घर पहुंचाया, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, ये श्लोक में भी बोल दिया जाएगा। और दूसरी पॉइंट, मोदी ने जो अब पुलवामा में जो युद्ध हुआ, मोदी ने तुरंत जवाब दिया इस बात का, क्या पाकिस्तान को मुझे वोट नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सर झुकाना है, तो उसने झुका दिया। मोदी वो शेर है, अगर कांग्रेस होती इस टाइम तो कांग्रेस हाथ जोड़ के फैलाती, इनसे हाथ मिला लो, इमरान खान से हाथ मिला लो पाकिस्तान। ये होता है, उसे चाहिए कांग्रेस, कांग्रेस ने देश खाया है हमेशा शुरू से ही, मोदी को चोर कह दिया गया, उसको चौकीदार, चौकीदार से चोर बना दिया गया, मोदी को तो वो चाय वाला, वो चाय वाला, और चाय पे ही चलती है चौकीदार, चाय पे ही चलता है वो, और जितना उसकी बुराई करती है वो ही बनेगा वो। लास्ट एंड फाइनल फॉर टू यू मिस्टर मोदी।